आने वाला महीना मार्च क्या लेकर के आएगा खास आपके लिए, और वो भी अब है वो शुरुआत 2024 2024 की, वो अंक एक है या तीन या सात, क्या है खास, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू द फैमिली। हर महीने आपके साथ बात करती हूँ कि आने वाला वो महीना आपके लिए क्या सौगातें लेकर आएगा, लेकिन इस मार्च के महीने में तैयार हो जाइए, वो अंक है 1, 2 से लेकर 9 तक, सबके जीवन में होने वाला है कुछ खास। इससे पहले बात करूँ, जुड़ जाएँ हमारे इस परिवार के साथ और मुझे ज़रूर बताएँ कि दुनिया के किस कोने से आप जुड़ रहे हैं और क्या है आपका नंबर। अब अगर हैं आप नंबर 1 यानी 1, 10, 19 और 28 का जन्म है आपका, और यूँ कहूँ तो सूर्य की प्रधानता है, द सन रूल्स यू गाइज, यू कैन सी द करिश्मा ऑफ सन इन योर पर्सनैलिटी। तो यूँ तो कहते हैं 1 और 8, क्योंकि ये साल है 8 यानी 2024, और आप सब जानते हैं 24 लिखने को रिकमेंडेशंस क्यों कहा, लेकिन 1 और 8 का रिश्ता कहते हैं बनता नहीं। मैं ये मानती हूँ एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग लेकर आए तो बहुत अच्छे से बनता है। ये वाला मंथ मार्च का इज रूल बाय जुपिटर यानी पाइसी साइन, और ये महीना और ख़ास तौर पर आने वाला महीना भी आप लोगों के लिए होने वाला है खास। अब सन की प्रधानता, सूर्य की प्रधानता है आपकी और आप हैं नंबर 1। इस महीने में आपको अपने लिए कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कुछ न कुछ किसी रूप में भी वर्कआउट शुरू कर दीजिए। अब अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो अर्ली मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, नहीं तो शाम को भी स्टार्ट जॉगिंग और वॉकिंग। अपने लकी कलर्स को यूज़ करिए, और अगर इतना आपको नहीं पता आपके लकी कलर्स क्या हैं तो वेल यू आर इन लक, शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओवरऑल 2024 में हर नंबर को कहूँगी गो ऑन द लाइटर शेड्स, अपने कलर्स में थोड़ा सा वायलेट रंग, लाइट पर्पल भी लेकर के आएँ, फिर वो नंबर 1 हो या 9 या 6 और 5, हर अंक कर सकता है। तो इस महीने आप थोड़ा सा ऑफ वाइट, लाइट येलो भी अपने रंगों में ले आएँ, क्योंकि होगा आपके लिए खास। और एक नया प्रोजेक्ट या न्यू अपॉर्चुनिटी भी, उसकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएंगी इस महीने आपके लिए, और साथ ही साथ हो सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म 1 to 2 years आपको आउट ऑफ कंट्री भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए या अपॉर्चुनिटी, जो बाद में आपके करियर के लिए बहुत अच्छी होगी। धन के रिश्तों से कहूँ तो अब खर्चा होगा, तो पैसे के साथ रिश्ता आपको ऐसे बनाना है ग्रैटिट्यूड का, खर्च थोड़े बढ़ जाएंगे लेकिन डोंट वरी, यू आर गोइंग टू रिकवर इट बैक। रिलेशनशिप की बात कहूँ तो इस वाले महीने में आपका फोकस होगा अपने ग्रोथ पर, अपनी लर्निंग पर, क्योंकि मार्च के महीने का कीवर्ड ही है मेहनत एंड लर्निंग, हार्डवर्क एंड लर्निंग। आपका फोकस थोड़ा उसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपके डिलीवरेबल्स भी बढ़ने वाले हैं तो इस वजह से, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर आप ज़्यादा समय नहीं बिता सकते तो इतना ज़रूर करें कि परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ साथ में बैठ के एक वक्त का खाना ज़रूर खाएं। रही बात आपके बच्चों की, और आप कहेंगे जी शादी ही नहीं हुई तो बच्चों का क्या सुनना, वेल हमारे इस परिवार के साथ बहुत फैमिली मेम्बर्स भी जुड़े हैं, तो अगर आपके अपनी एक्सटेंडेड फैमिली है, बच्चे हैं, तो इस महीने थोड़ा सा बच्चों को कहिए खेलने कूदने से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और जो पढ़ेंगे वो उन्हें याद भी रहेगा। और एक रेमेडी के तौर पर कहूँ कि फिर वो नंबर 1 है, 10 है, 19 या 28, तो इस महीने आप थोड़ी सी सेवा करिए, या वो जो आपके घर में सेवादार है उनके साथ थोड़ा सा प्यार से ज़्यादा पेश आइए। यूँ तो हमेशा आना चाहिए, लेकिन चेंज योर एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड एंड सी द मैजिक। अब बात करते हैं अंक 2 की। वो जिनका जन्म हुआ है 2 तारीख का, 11, 20 एंड 29 का, इस अंकों को, जैसे अंक 1 को सूर्य की प्रधानता है, नंबर 2 को है चंद्रमा की यानी मून। मून माँ होता है, मून के मन में इमोशंस होते हैं, केयरिंग होते हैं। अब वो मेल है या फीमेल, नंबर 2 वाले बच्चों में आप देखेंगे कि इन बच्चों में दिल से ये सोचते हैं, दिमाग से कम, और केयरिंग ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनमें मैच्योरिटी आती है, इनमें एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि इमोशंस को कब कहाँ यूज़ करना है। तो अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो आपसे यही कहूँगी, नंबर 2024, यूँ तो 248 फैमिली कहते हैं, लेकिन इस साल
आपको जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो है ब्रिंग मेच्योरिटी। इमोशंस को घर में छोड़ के आएं, अपने करियर और पढ़ाई के मामले में दिल से नहीं दिमाग से काम लें, क्योंकि आप क्रिएटिव बहुत हैं। आर्ट्स और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में आपके लिए करियर अच्छा रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग विद द ग्रोथ ऑफ AI हर कोई चाहता है कि राइड द वेव, कि डू सम करियर रिलेटेड टू AI। तो यस, क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में। तो अगर आपने पहले नहीं सोचा, नाउ इज़ द टाइम। रिलेशनशिप की दृष्टिकोण से हो सकता है यू आर डेटिंग समवन, कुछ खटपट होने के चांसेस हैं, और अगर यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, इस महीने मिलने के भी चांसेस हैं। अगेन, आपके रिश्तों में जो प्रॉब्लम आती है वो इस तरफ से, इधर यू आर टू गिविंग और यू एक्सपेक्ट टू मच। ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए और ज़्यादा बगैर किसी को परखे देना भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस करना है। कलर्स के मामले में लाइटर कलर्स यूज़ करें, और अगर हो सकता है आपके लिए तो ऑफ वाइट और लाइटर ग्रीन ज़रूर इस महीने यूज़ करें, आपके लिए अच्छा होगा। जॉब की दृष्टिकोण से, या आप हो सकता है फ्रीलांसर है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप जो भी काम करें कोशिश ज़रूर करिए कि थोड़ी देर आप 10-15 मिनट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर अपना काम करें, और फिर देखिए झटपट आपके लिए कैसे काम हो जाते हैं। और नंबर वन वाले कहेंगे उनके लिए नहीं बताया, तो आप अगर नंबर वन हैं तो ईस्ट में कुछ समय ज़रूर बिताएं। नंबर थ्री की बात करने से पहले यहाँ नंबर टू के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि रिश्तों के बारे में आपने जाना, ये महीना आपके लिए कैसा होगा जाना। जब बात परिवार की आती है फिर वो आपके रिलेशनशिप में है, अपनी फैमिली और बच्चे या ऑफिस में। डू नॉट स्ट्रेस अननेसेसरी, डोंट प्रॉमिस समथिंग विच यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी। आपकी आदत है ना नहीं करते, हर चीज़ में हाँ करते जाते हैं, फिर वो आता है कि समय जो आपको स्ट्रेस बहुत हो जाती है। तो अगर आपके अपना स्पाउस है, बच्चे हैं, ऑफिस में, कमिट उतना करिए जो आपको लगता है रियली पुट्स यू इन अ बैलेंस स्टेट। डोंट गो अबव एंड बियॉन्ड ओवर द बोर्ड। रेमिडीज़ के मामले में पानी बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा, और जब आप राइस खाते हैं हो सके तो थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि अननेसेसरी वज़न बढ़ने के चांसेस हैं। बात करते हैं नंबर थ्री की। अगर आपका जन्म हुआ है 3 तारीख का, 12 तारीख का, 21 तारीख का या 30 तारीख का, तो नंबर थ्री इज़ रूल बाय जुपिटर, और ये मार्च का महीना भी आप ही का है। और यूँ कहूँ तो इसके बाद आने वाला एरीज का टाइम रहेगा, तो वो भी आपका है। इस महीने आप अगर किसी एग्ज़ाम में पास होने की कोशिश कर रहे थे, आप बहुत मेहनत करिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और अगर कुछ सीखने का मन था, नाउ इज़ द टाइम, इनरोल करिए, चीज़ें बहुत जल्दी आपकी समझ में भी आएंगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आप मेहनत नहीं करेंगे, यू एब्सोल्युटली हैव टू वर्क हार्ड। रिश्तों के मामले में इस महीने आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आपके बगैर सोचे समझे बोलने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रंगों में लाइट येलो कलर ज़रूर इस्तेमाल करें। बच्चों के दृष्टिकोण से अपनी फैमिली को मिलाकर चलें, या आपके छोटे भाई बहन जिन्हें आप अपना बच्चा ही मानते हैं। डोंट टेक रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। किसी ने आप पर भरोसा करके कुछ कहा है, फिर वो आपके अपने बच्चे हैं या सिबलिंग्स हैं या कॉलीग, उनको दूसरों का मजाक में ही न कहें, या ये दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि हाँ भाई हैं, देखो मुझे वो अपना समझ के उन्होंने ये बता दिया। वो बात इज़ गोइंग टू बैक फायर एंड गोइंग टू क्रिएट बिगर ट्रबल्स फॉर यू, और हो सकता है ऑलरेडी आप ये गलती कर चुके हैं। जस्ट बी वेरी केयरफुल। लकी कलर जाना आपने, रिश्तों के बारे में जाना, रिलेशनशिप के बारे में जाना। बात करते हैं फाइनेंसेस की। इस महीने आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी। सो डोंट बी स्टिंजी एंड रिमेंबर टू गिव ग्रेटिट्यूड। कहते हैं ना, जब आपको कोई देता है आपके मन में आता ही है बात की थैंक यू, लेकिन जब आप किसी को दें तब भी आपके मन में आना चाहिए थैंक यू, क्योंकि ईश्वर ने आप में ये कैपेसिटी दी है, कैपेबिलिटी दी है, तभी आप कर पा रहे। एक अमेजिंग रेमेडी नंबर थ्री वालों के लिए ये रहेगी कि इस साल, क्योंकि नंबर एट का साल है, ख़ास तौर पर आने वाले जितने महीने हैं, आप अपने लिए एक वाइट पेपर पर गोल्डन कलर या येलो कलर की पेन से इन्फिनिटी सिंबल बना के अपने वॉलेट में रखिए फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, दिसंबर आने तक, और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या मैजिक होगा। बात करते हैं नंबर फोर की। अगर आपका जन्म हुआ है 4 तारीख का, 13 तारीख का, 22 और 31 का, ये वो है जिसे कहते हैं राहु। कुछ लोग यूँ ही बदनाम हो जाते हैं, लेकिन बदनाम हो के भी नाम हो गया है, अब फिर वो
उन कंपनीज की बात करूं जिन्होंने जैसे ही एआई में हाथ डाला तो उनके शेयर्स आसमान छूने लगे, या हर वो व्यक्ति जिसने राहु के साथ खुद को जोड़ लिया अचानक से वो मीडिया सेलिब्रिटी बन गए, या रातों रात उनकी कायापलट हो गई। ये है राहु। इस महीने आपका अगर ये नंबर है 4 और आप हैं 13, 22 और 31, बहुत समझदारी से काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप शायद किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहे हैं, किसी से पार्टनरशिप करने की बात कर रहे हैं, या आपके मन में अचानक से आया मुझे ये जॉब नहीं करना है, या आपके मन में आया कि मेरे ऑफिस में कॉलीग या बॉस सपोर्ट नहीं करता। यू जस्ट गो हैव अ कॉन्वर्सेशन और उसमें विदाउट अ फिल्टर आपके लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ में रियाड करने से पहले सोचें, और ये आपके लिए गुरु मंत्र है पूरे साल, थिंक बिफोर एक्टिंग एंड रिएक्टिंग। और अगर आपको लगता है बहुत एनर्जी है, यू आर कन्फ्यूज्ड, ओवरवेल्म, वेल ऑनलाइन कोई एक एआई का कोर्स सीखना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आपकी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ जाती है, आपकी जॉब मार्केट में डिमांड कितनी हो जाती है, और शायद ही योर लाइट बल्ब गोज ऑन और आपको खुद लगे कि कुछ नया जो मैंने सीखा है औरों को सिखाना शुरू करता हूँ। रंगों के मामले में लाइट ग्रे कलर आप बिल्कुल बहुत प्यार से रेगुलरली यूज़ करिए, इस महीने आपको सपोर्ट मिलेगा। रिलेशनशिप के मामले में शायद आप किसी ऐसे के साथ टकरा जाएं तो आपको लगे कि आपको चुप रहना नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता, और आपको बोलना नहीं आता, उनको चुप रहना नहीं आता। सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऊपर वाला कहते हैं ना, रब मिलाए जोड़ी, सोच समझ के रिश्ते जोड़ता है। तो जिनके साथ भी यू आर डेटिंग और फैमिली में, लुक एट द गुड साइड, ब्राइटर साइड, लोगों की अच्छाइयाँ देखना शुरू करें, और लोगों को अननेसेसरी क्रिटिक करना बंद करिए। आपकी आदत पहले से बहुत ख़राब हो गई है, सो स्टॉप लुकिंग एट द नेगेटिव साइड और क्रिटिसाइजिंग पीपल। बच्चों के लिए तो आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, बच्चों को अगर बच्चे ही समझें तो प्रॉब्लम होगी, और यकीन मानिए आजकल के बच्चे हमसे आपसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। यू गॉट टू बिल्ड अ रेपो एंड अ गुड रिलेशनशिप विद योर किड्स एंड ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स। ये आपके रिलेशनशिप को हेल्प करेगा प्रॉस्पर करने में। रिलेशनशिप और करियर और बच्चों के साथ यहाँ पे एक रेमेडी आपको ये ज़रूर कहूँगी कि इस महीने और आने वाले महीने में भी, आप मार्च और अप्रैल दोनों में, अगर आपसे हो सकता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना ऑनलाइन करें। हाँ, अगर आप टीचर हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं, लिखने के अलावा आपका काम नहीं हो सकता, तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अपने नोट्स को ऑनलाइन बनाना शुरू करें। आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ भी रिसेंटली कुछ शुरू हुए हैं उसमें भी आपको बैलेंस आएगा। बात करते हैं अंक 5 की, यानी 5 अंक वाले वो हैं जिनका जन्म हुआ है 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को, बुध से जुड़ा हुआ है। जहाँ देखें कि व्यक्ति का कम्युनिकेशन कमान का है, कहीं ना कहीं पीछे से वो बुध बोल रहा है। ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, तो इस महीने आपके मन में आएगा जो आपके अंदर में सीखने की और ज्ञान लेने की भूख है, आपको लगेगा ये तो अब मुझे सीखना ही है, और यकीन मानिए आप झटपट सीख भी लेंगे। लेकिन आपको बैलेंस करना है। वो व्यक्ति जो सिर्फ सीखता जाता है, सिखाता नहीं है, फिर वो ज्ञान उसका कुछ ऐसे ही होता है जैसे कि पानी आपने एक भगोने में रखा, पानी का बहाव नहीं है, तो पानी ज़्यादा दिन तक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आपने इतना सीखा है उसको आगे सिखाना भी शुरू करिए। करियर की दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट करते हैं, या पार्ट टाइम कुछ जॉब करना चाहते हैं, या घर से ही आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, इस महीने चांसेस बहुत हैं। और नहीं तो लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो स्टार्ट द करियर समथिंग जो आपके दिल में काफ़ी समय से था। क्योंकि बुध जैसे ही व्यक्ति कंसल्ट करता है या कोच कर हो जाता है या गाइड करता है, उसका स्वतः ही जागृत हो जाता है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपके अपॉर्चुनिटीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, सो प्लीज़ गेट अप एंड वेक अप, डोंट डिले एनी फर्दर। रिलेशनशिप के मामले में यू मे टेक अ ट्रिप और अ ट्रैवल। आपके मन में आएगा चलो शॉर्ट ट्रिप ले लेते हैं वीकेंड की, एंड गो, दैट विल इन्फ्यूज द लव एंड द पैशन बैक इन योर रिलेशनशिप। बच्चों के लिए, बच्चों को हो सकता है फैमिली में इस महीने कुछ किसी के बर्थडेज या एनिवर्सरी आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कोई खास मौका हो तभी गिफ्ट देना चाहिए। इस महीने जो उनको पसंद है, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो, कुछ गिफ्ट ले आइए, और फिर देखिए वही बच्चे जो थोड़े से
आपको मुश्किल हो रहे थे मनाने, वो चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है ये आपके सिबलिंग्स भी हों जिन जो आपसे नाराज़ हैं, और आपकी प्रॉब्लम ये है आपको दिखता है और आप फिर भी नज़रअंदाज करते हैं। सो बेटर फिक्स दैट हैबिट। रेमेडी के तौर पर इस महीने आपको क्या करना है, पूरे महीने अपने लिए सैलड ज़रूर खाएं। वैसे भी हेल्दी होता है, लेकिन ये सैलड आपके लिए रेमेडी वरदान के रूप में ही काम करेगा। बात करते हैं नंबर 6 की। वो जिनका जन्म हुआ है 6 तारीख का, वो जिनका जन्म हुआ है 15 तारीख का, वो जिनका जन्म हुआ है 24 तारीख का, दे आर गवर्न बाय प्लैनेट वीनस, शुक्र की प्रधानता है। ये वो हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं, ये वो हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, बड़ी ईजिली अडेप्ट हो जाते हैं। बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन अगर मन में कोई बात आई है इनकी, किसी चीज़ को लेकर इन्होंने मन में वो बात रख ली है, तो बड़ी जल्दी से भूलते नहीं हैं। करना क्या है इस महीने, आपको अपने लाइटर कलर्स यूज़ करने हैं, और यहाँ पे ये ज़रूर कह दूँ कि नंबर 5 वालों को भी लाइटर ग्रीन यूज़ करना है, और नंबर 6 वालों को लाइट पिंक, वायलेट कलर, लाइट येलो यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वर्क के दौरान यू बम्प इंटू समवन स्पेशल, यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, यू आर लुकिंग फॉर द राइट पर्सन। हो सकता है वर्क ट्रैवल्स और ट्रिप्स के दौरान चांसेस बहुत हैं आप किसी से मिल जाएं, और ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ स्टॉप फ्लर्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो आपके रिश्ते में दिक्कत दे सकती है। घर में थोड़ा समय स्पेंड करें, बच्चों के लिए तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ फैमिली यू मे सी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स देयर, अदरवाइज बच्चे आपके छोटे हैं या बड़े, टेक सम टाइम आउट फॉर द फैमिली। आपको अक्सर इतने डेडलाइंस होते हैं या आपके पास समय भी होता है तो आप थोड़े लेज़ी होते हैं बाहर जाने की बजाय कि चलो घर में ही बैठते हैं। ब्रिंग दैट एडवेंचर, टेक सम टाइम विद योर फैमिली एंड गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फाइनेंस के दृष्टिकोण से देखिए, रिलेशनशिप की बात करी, बच्चों की, कलर्स की, फाइनेंस के दृष्टिकोण से एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि पिछले कुछ महीनों से आपके मन में एक डर सा है और एन्जाइटी है, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो टनल विजन हो गया है, आपको उसके बाहर दिख नहीं रहा, तो आपको ये भ्रम हो गया है कि शायद चीज़ें ना हों, अंदर ही अंदर आप डरने लगे हैं। अपने डर को बाहर निकालिए, कहते हैं ना जो व्यक्ति मेहनत करता है यानी जिसने बीज बोया फल तो आएगा ही, लेकिन वही फल आए जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी नीयत ठीक रखनी है, क्योंकि व्यक्ति अपनी नीयत से ही अपनी नियति भी बनाता है। इस महीने आपको ज़रूर कहूँगी कि वेयर क्लीन क्लोथ्स, ग्रेसफुल क्लोथ्स, एलिगेंट क्लोथ्स, और अगर आप कलोन और परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग रेमेडी फॉर यू। बात करते हैं अंक 7 की। अगर आपका जन्म हुआ है 7 तारीख का, अगर आपका जन्म हुआ है 16 तारीख का, अगर आपका जन्म हुआ है 25 तारीख का, तो आप हैं रूल बाय 7 यानी केतु। राहु अनूठा है, हर व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है। केतु वो है जो कहता है मैं तेरा कोर हूँ, कहते हैं ना कि अगर हीरा देखता है व्यक्ति तो हीरे की चमक देखता है, चमक के आधार पर उस हीरे की कीमत बढ़ती है। वैसे ही एक व्यक्ति में कितनी गहराई है, लोग फल देख के कहते हैं कि किस पेड़ का है, जैसे बच्चे को देख के कहते हैं कि इसको पालने वाले कैसे होंगे। केतु वो है जो आप में दिखता है। इस महीने केतु से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, कोचिंग कंसल्टिंग में हैं, गाइड हैं आप, मेंटोर हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं, फिर चाहे वो आप बच्चों को पढ़ाते हैं या बड़ों को पढ़ाते हैं या एज अ हॉबी सीख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आपका सीखने का जो शौक है, एक भूख है, सिर्फ सीखें ही नहीं, स्टार्ट रिसर्चिंग एंड स्टार्ट कैप्चरिंग योर लर्निंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, आपके लिए अच्छा रहेगा। कलर्स की दृष्टिकोण से वाइट यूज़ कर सकते हैं, लाइट येलो यूज़ कर सकते हैं, और आप लाइट पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में आपकी गलती यह है कि आप कहते नहीं हैं, बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति सिर्फ उम्मीद करता है और कहता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी ले आता है रिश्तों में, और आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है या होने के चांसेस हैं इस महीने। सो क्लेरिफाई दोज कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बच्चों के साथ थोड़ा समय स्पेंड करें, क्योंकि वीडियो गेम में ज़्यादा मन है या उनको वो स्टडी समझ में ही नहीं आ रही, दे मे नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प, इस चीज़ के लिए थोड़ा समय निकालें आप। करियर के लिए
आप अपने बोलने के तरीके की वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, या तो आप कहते नहीं, और कहते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे तंस हो। जस्ट बी बिट केयरफुल। केतु इंस्टेबिलिटी लाता है, कहीं आपके बात करने से आप रिश्तों को तोड़ तो नहीं रहे, प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहे, या अगर ऐसा है तो स्टार्ट योर रेमेडी। और नंबर 7 वालों के लिए बेस्ट रेमेडी है स्टार्ट मेडिटेटिंग, ज़्यादा नहीं 10 मिनट रोज़ाना। अपने नियम से बैठें, आंखें बंद करके ओम का चैंट करें, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो गो फॉर अ नेचर वॉक, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज दिस मंथ आई वुड से डोंट ट्राई टू पिक अप बैटल्स और आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी। और रेमेडी के तौर पर अगेन स्टार्ट मेडिटेटिंग, क्योंकि फिर वो रिश्ते हों, बच्चे हों, या ऑफिस से जुड़े आपके फाइनेंसेस हों, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को इनवाइट मत करिए। अपनी लाइफ में ये बैलेंस ले आइए एंड हैव दैट एम्पैथी कि सामने वाला वो नहीं कर पा रहा जो आप चाहते हैं, या वो नहीं समझ रहा है जो आप चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये डिसकनेक्शन ग्रहों का भी हो सकता है। बात करते हैं अंक 8 की, वो जिनका जन्म हुआ है 8 तारीख का, 17 तारीख का और 26 तारीख का। आप देखिए ये शनि की प्रधानता है, राइट, सैटर्न गवर्न्ड, और ये साल भी है अंक 8 का। तो इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कुछ नया सीखना चाहिए। आपके मन में आएगा कि चलो रिट्रीट जाते हैं, या ज्ञान से जुड़ी हुई कोई गैदरिंग है, मीटअप है, उसमें जाते हैं। यू कैन कलर्स के दृष्टिकोण से कहूँगी, लाइटर कलर्स, लाइट ब्लू यूज़ कर सकते हैं, वायलेट यूज़ कर सकते हैं, वाइट एंड लाइट येलो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डार्कर कलर्स को आप प्लीज़ अवॉइड करिए। रिलेशनशिप के मामले में आपने अपने गलतियों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करी है। रिश्ता कोई भी हो, समय देना चाहिए, और ये आपको देना है। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, या फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो जिन्होंने आपको सपोर्ट कराया, आपके स्पाउस ने, आपकी फैमिली ने, पेरेंट्स ने, बच्चों ने, उनके साथ आपको समय स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है आपकी कोई सिबलिंग है जिनके साथ आपकी अनबन चल रही है, और आप जानते हैं कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पर कहते हैं ना कभी कभी ईगो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देखिए कहीं ये वजह तो नहीं है। मनी को आपको थोड़ा केयरफुली स्पेंड करना है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यू गेट परसुएडेड ईजिली, जहाँ खर्चे नहीं भी करने हो कर देते हैं, और जब एक्चुअल खर्चों की बारी आती है तो आप बजट देख रहे होते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो गया है। बी केयरफुल। और रिलेशनशिप, करियर, बच्चे, ग्रोथ, इन सब के लिए कहूँ तो इस महीने आपको अपने अंदर थोड़ी नम्रता लानी होगी, और अपने आप पर से डाउट हटाइए, ट्रस्ट योर एबिलिटीज। रेमेडी के तौर पर किसी को गुरु बनाएं। इस पूरे साल जिन पर आपकी निष्ठा हो, जिन्हें आप मानते हैं, हो सकता है वो शरीर रूप में ना हो, लेकिन मन से भी व्यक्ति समर्पण करता है, किसी को गुरु बनाता है, तभी भी आपकी लाइफ में एक मैजिक क्रिएट हो जाएगा। नंबर 9 की बात करते हैं, वो जिनका 9 का जन्म है, 18 का है, 27 का है, तो उनको गवर्न करता है मंगल यानी मार्स। मंगल वाले लोग आमतौर पर अग्नि की प्रधानता लिए होते हैं, क्योंकि या तो बोलेंगे नहीं, जब बोलेंगे तो आग उगलेंगे, वो जो हैं जिन्हें दो पल बैठना नहीं है। तो इस महीने आपके बहुत से रुके हुए काम बनने हैं, ऑफिस में अगर वो आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज़ थे, या प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, या नया प्रोजेक्ट या रेस की, तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। और अगर हो सकता है तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले ले जिसमें आपको अपनी नेक्स्ट करियर ग्रोथ के लिए कुछ सीखने को मिले। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो अपने आप ही ऑनलाइन किसी कोर्स को सीखना शुरू कर दीजिए, वो जो आपको करियर में आगे ग्रोथ देगा। कलर्स के मामले में डार्क रेड, डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक, ये आपको बिल्कुल नहीं पहनने हैं। लाइटर कलर्स यूज़ करें, जैसा कि मैंने कहा वायलेट भी यूज़ कर सकते हैं आप, लाइट येलो भी यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में आपके साथ रहना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको सॉरी बोलना नहीं आता, और आप बोलना चाहते नहीं, दूसरों को अपने जैसा मानते नहीं। अब हो सकता है आप दूसरों को अपने जैसा नहीं मानते क्योंकि आपको लगता है मेंटली ऑल्सो यू आर वे अहेड। वेल, ये गलतफहमी निकाल दीजिए, जो आपकी सोच है औरों से अलग हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अनुरूप चल रहा है। ट्राई टू इंटीग्रेट थिंग्स, ट्राई टू पुट सम एफर्ट ताकि साथ में रिश्ता बना के चलें। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप हो या बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, पहले से बेटर होने वाला है। हो सकता है एक मूवी या अ शॉर्ट ट्रिप के चांसेस बन जाएं,
और वर्क प्लेस पर ये भी हो सकता है कि आपके अपने बॉस से कन्वर्सेशन के द्वारा एक नई अपॉर्चुनिटी, आपको उसकी विजिबिलिटी मिल जाए. तो आई वुड से नाउ इज़ द टाइम, टेक द फेथ, लीप ऑफ फेथ एंड पिक दैट अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए अच्छी होगी. रंगों के मामले से मैंने आपसे शेयर करा, लाइटर कलर्स यूज़ करें, फिर वो रिलेशनशिप को आपके फाइनेंसेस हो. अब देखिए, फाइनेंसेस में चांसेस हैं आप कुछ नया सीखना शुरू करें, और हो सकता है अननेसेसरी थोड़े से हॉस्पिटल के खर्चे या हेल्थ रिलेटेड खर्चे बढ़ जाएं. यू सडनली बम्प इनटू एंड गेट इनटू ट्रबल, वॉच आउट फॉर दैट. तो आने वाले मार्च में ये थी हमारी बात, अंक 1 से लेकर 9 तक. मुझे ज़रूर बताएं कि आपका अंक क्या है, और ये है एक रेमेडी जो आप में से हर अंक वाले कर सकते हैं इस महीने. जुपिटर से जुड़ा हुआ है, और जुपिटर जब आता है ना, बढ़ा देता है. तो इस महीने चांसेस हैं अननेसेसरी आपको लगे कि शायद आपका वेट बढ़ गया है और भूख ज़्यादा लग रही है, या वर्कआउट का टाइम नहीं मिले. तो एक चीज़ ज़रूर करें, जो खा रहे हैं और पी रहे हैं, जितनी बार भी ये मत बोलें कि मैं मोटा हो जाऊँगा और ये मुझे मोटा बना रहा है. पानी भी पी रहे हैं तो कहिए दिस इज़ कीपिंग मी हेल्दी. खाना भी खा रहे हैं तो कहिए दिस इज़ कीपिंग मी हेल्दी, आई फील गुड. तो ये आपकी ऑनगोइंग एफर्मेशन आपके जीवन में एक मैजिक लेकर के आएगी.